गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। और गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप्स। और गाइस शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं, साथ ही साथ उनके ब्यूटी टिप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उन्हें ब्यूटिशियन गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस शहनाज हुसैन जी के जो भी ब्यूटी टिप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, साथ ही साथ उनके ब्यूटी टिप्स की हेल्प से अगर आप उनके ब्यूटी टिप्स फॉलो कर लेंगे और उसके अलावा अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो रातों रात निखार आ जाएगा, साथ ही साथ बेदाग हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम ठीक होकर आपकी स्किन में अलग सा निखार आएगा, ग्लोइंग हो जाएगी। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हमें शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट टिप है कि अगर हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है, सो गाइस उसको किस तरीके से हमें सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाना है। सो गाइस इसके लिए आपको एक फेस पैक बनाना होगा। सो गाइस फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चम्मच कर्ड लेना है, यानी दही। और गाइस दही बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, साथ ही साथ अगर हमारी ड्राई स्किन है तो उसे भी ठीक करके हमारी स्किन को मुलायम बनाएगी। सो गाइस 3 चम्मच दही डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। सो गाइस ये जो फेस पैक है अगर हमारी स्किन पर टैनिंग की प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा। सो गाइस आपको क्या करना है कि आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। सो गाइस आप इसे काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस जो शहनाज हुसैन के टिप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। सो गाइस अब हमारा फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है, अब इसे किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस इसको यूज करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। सो गाइस आप इसे ब्रश की हेल्प से या फिर आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। और गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 1 मिनट के लिए अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद आपको इसकी एक लेयर अपने फेस पर अप्लाई करके छोड़ देनी है। सो गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस इस फेस पैक को आप कम से कम हफ्ते में 3 बार ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन काफी जल्दी ही ड्राइनेस दूर हो जाएगी। सो गाइस उसके बाद बारी आती है ब्यूटी टिप नंबर 2 की। सो गाइस इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके फेस पर जैसे कि एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दाग धब्बे हैं, तो आपको क्या करना है कि इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको 1.5 चम्मच चंदन पाउडर ऐड करना है और उसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ऐड कर दीजिए। अगर 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। सो गाइस इस फेस पैक की हेल्प से अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे की प्रॉब्लम है या फिर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो इस फेस पैक की हेल्प से आप जल्दी ही अपनी स्किन को बेदाग बना सकते हैं और निखरी भी बना सकते हैं। सो गाइस जो शहनाज हुसैन के टिप्स हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में महिलाएं हैं वो भी इनसे टिप्स लेती हैं अपने मेकओवर कराने के लिए कि वो अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करें। सो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस फेस पैक को ब्रश की हेल्प से या फिर आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इस फेस पैक को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम आपको इसे 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस इस फेस पैक को आप जरूर ट्राई कीजिए, आप इसे डेली भी यूज करेंगे तो आपकी स्किन जल्दी ही बेदाग और निखरी हुई हो जाएगी। सो गाइस उसके बाद बारी आती है टिप नंबर 3 की कि अगर आपकी स्किन के आंखों के आसपास झुर्रियों की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आप किस तरीके से डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस आपको यह करना है कि आपको बादाम तेल लेना है और उसके बाद आपको इसे अपनी फिंगर में हल्का सा एक ड्रॉप लेकर अपने आईज के अराउंड मसाज करनी है। सो गाइस देखिए आपको इस तरीके से अपने आईज के अराउंड बादाम तेल अप्लाई करना है और उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने आईज के अराउंड मसाज करनी है।
सो गाइस अगर आप इसे रोज रात को सोने से पहले करेंगे तो आपकी जो आंखों के आसपास की झुर्रियां है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अगर आपके आंखों के पास डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सो गाइस आपको इसे रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करना है, आपकी जल्दी ही काले घेरों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपके आंखों के आसपास की झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सो बस उसके बाद बारी आती है टिप नंबर 4 की कि अगर सर्दियों की वजह से आपके जो लिप्स है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए हैं, फटे फटे हो गए हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है। सो गाइस आपको इसके लिए अपने लिप्स को स्क्रब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको गाइस स्क्रबर बनाने के लिए आपको 1 टीस्पून कॉफी पाउडर लेना है, 1 टीस्पून शुगर लेना है और उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिए। सो गाइस नींबू का रस आपको 1 चम्मच ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और गाइस ये तीनों ही चीजें काफी ज्यादा अच्छी है स्क्रबर के लिए। अगर आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए हैं, कटे फटे हो गए हैं, तो आपको ये स्क्रब जरूर ट्राई करना चाहिए। सो गाइस देखिए अब हमारा स्क्रब एकदम रेडी हो चुका है। सो गाइस अब आपको इसे किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस आपको ये करना है कि आपको फिंगर पे इसको स्क्रबर को लेना है और उसके बाद अपने लिप्स की कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। सो गाइस इस स्क्रब की हेल्प से अगर आपके लिप्स थोड़े से डार्क हैं या फिर थोड़े से काले पड़ गए हैं, अगर आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, कटे फटे हैं, तो गाइस इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। और गाइस जो कॉफ़ी होती है और शुगर होता है वो बहुत ही अच्छा स्क्रबर होता है, आपके जो लिप्स है इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने लिप्स अच्छे से वॉश कर लेने हैं और उन्हें अच्छे से किसी टॉवल की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस कुछ ही दिनों में आपके लिप्स जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। सो गाइस उसके बाद बारी आती है टिप नंबर लास्ट जो है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको छोटा सा खीरा लेना है और उसको अच्छे से छील लेना है और उसके बाद आपको उसका जूस निकालने के लिए इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। और गाइस ये फेस पैक उन लोगों के लिए है जो अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर करना चाहते हैं, यानी कि जिनका उनका जो कॉम्प्लेक्शन है 1-2 शेड जो है वो लाइट करना चाहते हैं, तो वो इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिए। सो गाइस इसका जूस निकालने के लिए मैं यहाँ पर छन्नी की हेल्प से इसका जूस जो है अच्छे से स्टेन कर लूंगी। उसके बाद गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें 1 चम्मच खीरे का रस लेना है। और गाइस खीरे का रस भी काफी ज्यादा अच्छा है हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए। सो गाइस उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिए। और गाइस नींबू भी हमारे स्किन पे एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, इससे हमारी स्किन ग्लोइंग भी होती है। सो बस उसके बाद इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट आप इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क। गाइस आपको इसमें 1 चम्मच रॉ मिल्क ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और गाइस आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि तीनों चीजें इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। सो गाइस अब हमारा फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है, अब आपको इसे किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस इसको यूज करने के लिए आपको एक कॉटन बॉल लेना है और उसके बाद इसमें इसको डिप करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। सो गाइस इससे क्या होगा कि अगर आपके स्किन पर जैसे कि धूल मिट्टी चिपक गई है या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो गई है, तो यह आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी स्किन से डस्ट को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस इस फेस पैक को भी आप कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार जरूर ट्राई कीजिए अगर आप अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना चाहते हैं। सो गाइस ये थे 5 ब्यूटी टिप शहनाज हुसैन के। सो गाइस अगर आप कोई भी ब्यूटी टिप नहीं अपनाना चाहते, आप सिर्फ यही ब्यूटी टिप्स अपनाएं, आपके जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी बहुत ही जल्दी फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। बाय, टेक केयर।